मध्य प्रदेश सरकार भले ही लाख वादे करें, गांव गांव, शहर शहर स्कूल चले हम अभियान चलाकर, घर घर से बच्चे बुलाकर स्कूल में पढ़ाने का दावा करें, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। पन्ना जिले का एक ऐसा स्कूल जहां पर अनाजों के ढेर लगे हुए हैं, यहां तक कि स्कूल के कमरों में भी गेहूं के बोरे भरे रखे हुए हैं। अब इस स्कूल में बच्चे कहां बैठे और कहां आए, स्कूल के कमरों को गेहूं की बोरियों से भर दिया गया है और स्कूल का खेल का मैदान चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है। क्या प्रशासन इन बच्चों के साथ स्कूल में गेहूं रखकर खिलवाड़ कर रहा है? क्या प्रशासन को इस मामले की जो भी नहीं है प्रश्न चिन्ह सवाल इस बात का है कि बच्चों के साथ महज एक माह से खिलवाड़ हो रहा है। वहां की खाना बनाने वाली रसोईया ने बताया कि स्कूल एक माह से खुला ही नहीं और बच्चे भी नहीं आते, क्योंकि स्कूल में गेहूं रख दिया गया है और यह गेहूं का केंद्र बना दिया गया। स्कूल में काम करने वाली रसोईया ने बताया कि स्कूल एक तारीख से खुला ही नहीं और मैं तो यहाँ मात्र आंगनबाड़ी का ही खाना बनाने आ रही हूँ। स्कूल ऐसा है हनुमतपुर प्राथमिक शाला, जहाँ पर अनाज ही अनाज भरा हुआ है स्कूल के अंदर कमरों में, और स्कूल की वहाँ से हमें जो जानकारी मिली कि स्कूल खुला ही नहीं, अप्रैल से वहाँ पर गल्ला ही रखा हुआ है। तो सर ये तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आपने बताया है तो मैं निश्चित रूप से अभी BRCC से बात करूंगा तत्काल में और उसे रिपोर्ट प्राप्त करूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एक माह से वहाँ पर गल्ला रखा हुआ है, साधन अभी तक किसी संज्ञान में नहीं आया सर। अब चूंकि ना तो मुझे जन शिक्षक ने रिपोर्टिंग की और चूंकि इतने अधिक स्कूल हैं कि हर जगह तो मैं नहीं जा सकता है, जब मैं निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, 10 से 20 स्कूल प्रतिदिन मॉनिटर करके देख रहा हूँ, पर वो मैं वहाँ तो नहीं पहुँचा आ जाएगा। निश्चित रूप से अगर CAC ने रिपोर्ट नहीं दी, मैं तत्काल BRCC से बात करके और इसकी कार्रवाई करूंगा। और यहाँ पर अनाज करीब एक माह से रखा हुआ है। जब जिला प्रशासन के DPC महोदय से पूछा तो उन्होंने बताया अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है तो मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूंगा। पन्ना से विकास सेन की रिपोर्ट, SCN News।